पराठे तो हमने ले लिए हैं दो मूली, दो प्याज ले लिए हैं, 3-4 हरी मिर्च ले लिए हैं और 5 हमने लहसुन की कली ले ली है और थोड़ी धनिया ले ली है। इसको हम करते हैं कट, इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। हमने कद्दूकस कर लिए हैं और ये प्याज है, प्याज भी कद्दूकस कर लिए, दो प्याज थे छोटे। ये कटी हुई धनिया है बारीक, ये बारीक कटी हुआ है, ये बारीक कटा हुआ अदरक है, ये हमने कद्दूकस इसको भी लहसुन में कर लिया था और ये ग्रीन चिली कट कर लिया था। तो अब चलते हैं, बदलते हैं, आटा लगाते हैं। हमने आटा ले लिया है, कटे हुए धनिया के पत्ते, ये अदरक, लहसुन, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून रेड चिली, थोड़ा से अजवाइन, पेट लिए अच्छा होता है, सूखा धनिया, धनिया पाउडर डाल देते हैं इसमें अच्छे से और थोड़ा से आमचूर पाउडर, ये स्वादानुसार नमक डाल देते हैं इसमें, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। आटा डाल देते हैं, एक टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं, इसको हम गूंथ लेते हैं, पहले मिक्स कर लेते हैं सब अच्छे से। सरसों का तेल, इसको हम पराठे में लगाएंगे। ये हम आटा ऐसे ले लेंगे, एक मोटी कर देते हैं, इसको हम ऐसे कोई बना लेंगे, इसको हाथ से प्रेस कर लेंगे, इसको हमने बेल लिया। अब इसको तवे पर डाल देंगे, इसको हम पलट लेंगे, इसको लगा देंगे ऑयल, दूसरी साइड पलट लेंगे, इधर भी लगा लेंगे अच्छे से, इसको लगा लेंगे, दोनों तरफ सेक लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इसको, इसका पैक दो तरफ सेक लेंगे, कितना अच्छे से लगाया है। ऐसे हम एक एक करके सारा सेक लेंगे,
स्वादिष्ट लगता है, एक बार बना के देखिए। जो घर के बनाते हैं उससे भी अच्छा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, दिल से भाई भारती चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।